देता है अपनी, मतलब क्या बोलते हैं, बूटिंग सिक्योरेंस को जितने। ओ चालू हो गया भाई, सकुशल चालू हो गया दोस्तों, जहां तक हम अंदाजा लगा पा रहे हैं दोस्तों बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, मैं बता नहीं सकता इतना डर लग रहा है। ठीक है, बेकू महाराज अपने साथ में है और इनका फोन जो है बहुत ही, मतलब ये समझो आंखों की तरह ज्यादा खौफ में थे अभी, और अभी भी थोड़े कुछ दिन तो रहेंगे शायद, क्योंकि आज नहीं तो क्या पता कल आ जाए, कल नहीं तो परसों आ जाए, तो इसलिए हम थोड़ा इस पर नजर गड़ाए हुए हैं फोन पे। अभी एक महीने ये फोन अंडर सर्विलियंस रहे, सही कह रहे हो। तो एक महीने अगर ये जिंदा रहा फोन तो, क्योंकि मतलब वो डैमेज हो गया तो हम खत्म फिर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर सूरजपुरिया और आपको स्वागत करते हैं ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो दोस्तों हम जो है 25,000 का फ़ोन था जो हमने पोको X5 Pro 5G खरीदा था 6 महीने पहले, उसके साथ हम बहुत बड़ा खतरा मोल लेने जा रहे हैं। क्यों लेने जा रहे हैं? क्योंकि हमारे जो भाई, हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे जो उनकी डिमांड ये है हमारे व्यूअर्स की कि आप 4.5 GB वाला अपडेट करिए। और क्यों करिए? ताकि उनको भी पता लग पाए कि इसमें कोई ख़राबी है या नहीं। अभी हमको भी नहीं पता है क्या होने वाला है 4.5 GB के अपडेट के बाद, मैं पहले नहीं बोल सकता, वो जो होने के बाद पता चलेगी। क्योंकि कुछ बंदे कह रहे हैं कि अपडेट करने के बाद मदरबोर्ड प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी आ रहा है, तरह तरह की प्रॉब्लम आ रही है, वो अपडेट के बाद ही आ रही है। भाई रितु भाई भी हैं हमारे, रितु अन्ना, ये नमस्कार करेंगे आपको। ये मैं हाय, दिस इज गुड चैनल, यू वांट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू, बाय। तो देख सकते हो यहाँ अपने बेकूफ सरकार और ऋतुराज, और ये जो हम अपडेट करने वाले हैं अभी फ़ोन को, बहुत अच्छे भली भांति चला रहे हैं इस फ़ोन को, भली भांति चल रहा है। ठीक है, ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छी कंडीशन में फ़ोन, और इसके ऊपर छाती पे ये अपडेट दिखा रहा है, ये वाला अपडेट है V14.2.0 ये आप चेक कर लेना। 5:37 हो चुके हैं और ठीक है, हम इसको अपडेट करने वाले हैं, बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। ठीक है, हमारा 25,000 का फ़ोन था और इसके ऊपर मतलब MIUI वर्जन 14, एग्जैक्टली मतलब जो ऑलरेडी है, और उसका 2.0 वर्जन। यस। तो दोस्तों बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, मैं बता नहीं सकता इतना डर लग रहा है। ठीक है, बेकू महाराज अपने साथ में है और इन होगा या नहीं होगा? तो ऑलरेडी हम एक अपडेट कर चुके हैं, आपको दिखा चुके हैं, हम खड़े उतर चुके हैं उसमें, दूसरा अपडेट कर रहे हैं 4.5 GB का, हमें नहीं पता क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला, हम भी खुद कन्फ्यूज हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो मतलब जो डर के मारे नहीं कर रहे हैं, या जो मतलब डर के मारे फ़ोन नहीं खरीद रहे हैं उनके लिए, बट ऐसा नहीं है कि मतलब हम ये अपडेट करके आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि आप ये फ़ोन खरीदो। हम बस उनको बता रहे हैं जो हमारे ऑडियंस जो है, जो कंफ्यूज्ड है कि क्या ये फ़ोन लेना सेफ है, हम उनके लिए कर रहे हैं। ठीक है, और अभी मुझे खुद भी नहीं पता है कि ये कैसा होने वाला है। तो आपको बड़े बड़े अक्षरों में दिख रहा है अपडेट सारा अवेलेबल, बहुत ही अनाउंसमेंट के साथ हम कहने जा रहे हैं अपडेट हमारे पास आ चुका है। मैं दिखा देता हूँ इस अपडेट में क्या क्या है। MIUI 14 4.3 GB और कौन सा वर्जन है ये मृत्युंजय महाराज बताएंगे। 2.0 वर्जन है। ओके, इसमें क्या क्या होने वाला है? इसमें पूरा सिस्टम अपडेट होगा इस ऐप के थ्रू। ये होने वाला है सिस्टम, एंड्रॉइड सिस्टम जो है वो June 2023 वाला। एग्जैक्टली, तो इसमें बहुत बड़े बड़े धमाके होने वाले हैं। सिस्टम अपग्रेड होगा, सिस्टम। तो दोस्तों सिस्टम वाले के पास तो बहुत पैसा है पर हमारे पास नहीं है, तो हम भगवान का नाम लेके जय श्री राम, जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर, इसको चालू करते हैं और हम डाउनलोड अपडेट पर लगा रहे हैं। 5G हमारा ऑलरेडी चल ही रहा है, तो इसको मेरे को ऐसा लगता है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अपडेट होने में 4GB को। सो हमने स्टार्ट कर दिया है दोस्तों, देख सकते हैं वाईफाई मांग रहा है, और देखो ये देखो रिट्रीविंग, तो हम दूध का 2% हो भी गया, देखो स्पीड कितनी आ रही है। अगर आपको 33 MBPS भाई बयान 43 MBPS स्पीड, और देखते हैं कितना समय लेता है 44 MBPS स्पीड। स्पीड के ऊपर भी हम दूसरी वीडियो लाने वाले हैं, आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल। स्पीड ये जियो 5G चल रहा है, देख रहे हो जियो 5G की ताकत क्या है, और देखो देखते ही देखते 19% भाई, ये क्या हो रहा है भाई, अनबिलीवेबल ब्रो। ये मुझे लग रहा है 5 मिनट से कम में ही हो जाएगा, मुझे लग रहा है 2 मिनट में ही हो जाएगा अपडेट, बस मुझे रीबूट में समय लगता है, नहीं तो हमारी स्पीड इतनी है ना 5G की, 5G में बहुत इंस्टॉलेशन में टाइम लगता है। मैं 5G से यार बहुत खुश हूँ, मैं अंबानी जी से बहुत खुश हूँ कि आपने बिल्कुल इतिहास ही बदल दिया। कहाँ हम जिंदगी में सोचते थे कि 7-7 MB के लिए अपना रिचार्ज करवा देते 20-25 रुपये का, आज हम 200 रुपये के रिचार्ज में पूरे महीने चला रहे हैं 5G, वो भी 100 MBPS 50 MBPS इस तरीके से। ये हमारे रितु भाई भी बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। ठीक है, Are you feeling fine? Yes. We are updating our phone. And our subscribers are saying that after updating the phone gets dead. Damaged. Yeah. So that's why we are making the video so that we can clarify this. So that our subscriber will get relief. So दोस्तों English बोलनी आती नहीं है, फिर भी कोशिश कर लेते हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है, English हमारी चलो हो गया tertiary language है। हो गया। तो दोस्तों सतासी देख, ओ भाई
हद कर दी भाई, 100% मुझे लग रहा है 2-3 मिनट भी मुश्किल ही लगे होंगे। जब इतनी इतनी स्पीड आएगी 37 Mbps 40 Mbps तो कहाँ जाएगा आप? नहीं, नहीं, 37 तो अब जाके हुआ है, पहले तो वो 40 से ऊपर ही था, 45 तक हो गया 100%। यो 100% ब्रो, और हम रिबूट करने वाले हैं। फोकस करो कैमरामैन, फोकस करो रे। फोकस हो रहा भाई, अभी फोकस हो जाएगा, अगर मदरबोर्ड इशू हो गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। फोकस ना हो, फोकस हो। तो दोस्तों ये हमारा फ़ोन है, बहुत ही ब्यूटीफुल फ़ोन। तो दोस्तों बहुत बड़ा ख़तरा मोल लेते हुए हमने अपनी गाड़ी पूंजी से फ़ोन ख़रीदा था, 25,000 रुपये 25 साल में इकट्ठे करके जब हमने फ़ोन ख़रीदा था। तो आप, हम इतना रिस्क ले रहे हैं तो आप इतना रिस्क ले लीजिए कि आपको कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करनी है दवा की वीडियो, और सब्सक्राइब करना है, देख के ऐसे नहीं जाना है खाली हाथों, पूरा देखना है। जो नहीं देखते उनको भी दिखाओ। हाँ, क्योंकि हमारी कुछ अभी YouTube से कुछ आमदनी हो नहीं रही है, कुछ नहीं मिला है हमें अभी तक YouTube से, वैसे हम अपनी समाज सेवा के चलते इस वीडियोज को बना रहे हैं। तो आप भी कुछ समाज सेवा करिए हमारे साथ मिलके, आपका बहुत बहुत उद्धार होगा। तो अब अपडेट में थोड़ा ये टाइम लेगा, अपडेट मतलब ये सिंक कर रहा है बेसिकली डाटा। अब ये नेट का, अब ये इंटरनेट का खेल नहीं है, अब ये फ़ोन का प्रोसेसर का खेल है, ठीक है। जो इसने डाउनलोड करा है वो इस फ़ोन में डाल रहा है। एग्जैक्टली, और डालने के बाद एक बार रिबूट करने के लिए। या श्योर श्योर श्योर। सो हम थोड़ा वेट करते हैं इसके लिए, थोड़ा सा वीडियो में कट मारेंगे। एक एक मिनट नहीं, ऐसे 20-30 सेकंड में 1% बढ़ जा रहा है, तो मतलब करीब आधा घंटा लगना चाहिए इस पर। आधा घंटे बाद देखते हैं। घड़ी आ चुकी है, आपको दिखा देता हूँ, 99% चार्ज हो चुका है। 99% हो चुका, देखो सिंक हो गया। ये देखो सिंकिंग चल रही है, हाँ अब ये चल रही है, रिबूट में आ जाएगा थोड़ी देर में, और दूध का दूध और पानी का पानी और खीर की खीर हो जाएगी अभी थोड़ी देर में। इंस्टॉल भी कर, इंस्टॉल नहीं करा अभी, रिबूट के बाद इंस्टॉल कर लिया, अब हमें करना है रिबूट। और रिबूट के बाद जो आएगा वही हमारा रिजल्ट होगा, जिसके लिए हम वर्षों से इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए हमारे दर्शक वर्षों से इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे सूरजपुरिया व्लॉग्स अपडेट करके डालेंगे और कब हम इस फ़ोन को ख़रीदें या ना ख़रीदें, अपना डिसीजन लें। तो सो रिबूट नाउ। सो दोस्तों बहुत ही धड़कन जो है बहुत तेज़ होते होते हुए धीरे धीरे, ठीक है ना, हमारे लिए ये हमारा बहुत प्यारा फ़ोन था, ठीक है, 6 महीने पहले हमने लिया था, और इसलिए हमने ये आज हमारा 75 वार्ड का 6वां दिन है। तो दोस्तों पोको लिख के आ चुका है, अब ये चालू हो चुका है, कुछ देर में चालू होगा, और दूध का दूध और खीर की खीर और बतासे के बतासे हो जाएंगे। देखो मेरा हाथ कांप रहा है, इतना डर लग रहा है, देखो मेरे को कहीं नुकसान हो गया, मेरे पैर कांप रहे, मेरे घर वाले इतने जूता बजाएंगे, इतने जूता बजाएंगे कि कहीं ना सोची ना होगी। देखो कितना हाथ कांप रहे हैं, 25,000 का पाई पाई जोड़ के, 3.14 जोड़ के हमने फ़ोन ख़रीदा था। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, आपकी 4 ईयर नॉलेज में बता दूँ। देखो क्या सुंदर फ़ोन है, अगर इसका मदरबोर्ड ड्राइव डैमेज हो जाए तो क्या हो जाएगा, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। ये देखो, और हाँ अपडेट करते समय ये बातों का ध्यान रखें कि आपको बैटरी कम से कम 50 से ऊपर रखनी है, अच्छी खासी बैटरी होनी चाहिए, MIUI, ठीक है ना, 14 MIUI 14 लिखा आ चुका है दोस्तों। और अभी देखते हैं क्या होने वाला है अपडेट के बाद, अब धड़ाधड़ वीडियो आएंगी। क्या वीडियो आएंगी कि अपडेट के बाद किस चीज़ में क्या चेंज आया, कैमरा में क्या चेंज आया, स्पीकर में क्या चेंज आया, मदरबोर्ड में क्या चेंज आया, अगर ये जिंदा रहा फ़ोन तो, क्योंकि मदरबोर्ड डैमेज हो गया तो हम ख़त्म। फिर सेव कर, स्टार्ट हो जाए। तो दोस्तों बहुत देर से वेट कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा रिबूट होने के बाद थोड़ा समय लेता है अपनी, मतलब क्या बोलते हैं, बूटिंग सिक्योरेंस को जितने। ओ चालू हो गया भाई, सकुशल चालू हो गया, वॉलपेपर चेंज, कोई मदरबोर्ड इशू नहीं है दोस्तों, जहाँ तक हम अंदाजा लगा पा रहे हैं दोस्तों। अभी हम बोलना नहीं चाहेंगे, अभी हम थोड़ा चला के देखेंगे इस फ़ोन को, आधे घंटे या एक घंटे, जब हम आपको क्लेरिफाई करेंगे कि इसमें कोई दिक्कत है या नहीं। अगर आगे भी कोई दिक्कत आती है, मान लो 10 दिन बाद 1 हफ्ते बाद 4 दिन बाद 5 दिन बाद अगर कोई दिक्कत आई, अभी तक तो ठीक है, तो हम वीडियो बनाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि अगर आज कोई दिक्कत नहीं है तो कल दिक्कत आए हम वीडियो बना लें, कल दिक्कत आ गई फिर भी हम वीडियो बनाएंगे, अभी तक तो ठीक है। यो ऋतुराज हमारे भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब, हमारे ऋतु भाई बोल रहे हैं। तो दोस्तों मदरबोर्ड तो मुझे लग रहा है पीछे का बैकग्राउंड चेंज हो गया, बस एक दिक्कत हो रही है इसमें, वॉलपेपर चेंज हो गया। तो दोस्तों अभी आपको दिखा भी देते हैं कि अपडेट फिनिशिंग सिस्टम अपडेट कर रहा है, थोड़ी देर में फिनिश करके आपको पूरी जानकारी देगा इंटरफेस के थ्रू, ठीक है ना। तो अब इसके वेट कर लेते हैं, ठीक है ना। और ये वीडियो बहुत लंबी जाने वाली है क्योंकि हम डिटेल्ड वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, खतरों के खिलाड़ी हो चुके हैं हम,
उस शो को देखना बंद करो, हमारे वीडियो को देखना चालू करो। खतरों का खिलाड़ी से ज़्यादा खतरा था हम ले रहे हैं। थोड़ा दोस्तों आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं कुछ एग्जैगरेट कर रहा हूँ, ये एग्जैगरेट नहीं है, मजाक बीच में चलता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़े मजाक के किस्म के हैं मैं और बेकूफ भाई। ये देखो अपडेट सक्सेसफुल दिखाइए। तो दोस्तों अपडेट एंड्रॉयड पैच जून 2023, अब देखो कोई अपडेट नहीं है, लेटेस्ट अपडेट है इंक्रीज सिस्टम सिक्योरिटी, तो इसका मतलब अपडेट सकुशल हो चुका है। और अब देख सकते हो ये, अब आपको चला के भी दिखाएंगे हम कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। ये देखो ये देखो अबाउट फोन हो जाएगा 14.02, अब वो थोड़ा पास में लाके दिखा 14.02 एग्जैक्टली स्टोरेज। तो अब घड़ी आ चुकी है, देखो अभी तक तो कोई मेरे को प्रॉब्लम लग नहीं रही है, बिल्कुल जैसा वॉलपेपर अपना चेंज हो गया, अब थोड़ी परफॉर्मेंस भी चेंज हुई होगी। तो मैं आपको स्पीड दिखा देता हूँ, रिफ्रेश रेट दिखा देता हूँ, सब ऐप का देखो उसी तरीके से चल रहा है जिस तरीके से पहले था, ठीक है ना। और अगर ऐसी बात नहीं, अगर अभी इशू नहीं आ रहा तो कभी ना आए बाद में, अगर कल परसों में आता है तो बिल्कुल वीडियो बना देंगे हम आपके लिए, ठीक है ना। अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन हो, हमें भी कन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक है ना, क्या पता अभी अभी सही चल रहा है। सारे ऐप मैं आपको खोल खोल के दिखा रहा हूँ, थोड़ा इंटरफेस थोड़े ऐप्स बड़े हो गए हैं दिखने में, और सर्च का कंटेंट नीचे आ गया, पहले शायद ऊपर हुआ करता था, मैंने नीचे ही था, सॉरी। तो दोस्तों अब इसका कैमरा, जो कि बहुत लोग कह रहे हैं कि कैमरे पे इशू आ रहा है, तो देखो कैमरा देख सकते हो, स्टेबिलिटी भी पूरी परफेक्ट। ये देखो क्या सुंदर हवा चल रही है मैसूर में, बहुत ज़बरदस्त मौसम होते हुए। ओके यू कैन सी, ये देखो मैं चल भी रहा हूँ और कैमरे में कोई फ़र्क नहीं आया, वाओ सीधा ग्रीनरी। ये देखो ये ऋतु भाई अपने, देखो इनको भी देख सकते हो एज इट इज दिख रहा है, पूरा भी देख सकते हो बिल्कुल जैसे पहला था वैसा ही नज़र आ रहा है मेरे को, कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा, देख सकते हो। आपकी पूरे में संतुष्ट करके जाऊँगा आपको पूरा, चाहे 20 मिनट की वीडियो क्यों ना बन जाए, पर आपकी संतुष्टि ज़रूरी है हमारे सब्सक्राइबर्स की। और हमारे मृत्युंजय भाई को बहुत बहुत धन्यवाद इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए, आपका तहे दिल से धन्यवाद, आप इसके लिए दिल बड़ा चाहिए, दौलत तो सबके पास, ऐसी बात है मेरा फ़ोन भी अपडेट हो गया। हाँ नहीं नहीं दिल बड़ा चाहिए, दिमाग तो सबका बड़ा होता है, ठीक है ना, दौलत तो सबके ऊपर है, और इतना बड़ा अपडेट करने के लिए वो भी मिडिल क्लास के लिए बहुत जिगरा चाहिए, छत्ती मट्ठे होगा छत्ती फट जाएगी। 5 बजे हमने वीडियो बनानी स्टार्ट करी थी, 6 बज चुके हैं, 1 घंटे में हमने सब कवर कर लिया, और आपको गेम वगैरह सब खेल के दिखाएंगे अगर आप डिमांड करोगे तो, क्योंकि ये वीडियो 20 मिनट से ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ सब हर चीज़ इसी में मैं कंप्लीट ना करूं। अब इसके नेक्स्ट पार्ट आते रहेंगे इस वीडियो के, गेमिंग टेस्ट करेंगे, हीटिंग टेस्ट करेंगे आफ्टर अपडेट, अगर कोई और भी अपडेट आता है इसके बाद। कमेंट में मतलब बहुत सारे हुआ है कि हीटिंग इशू हो रहा है, एग्जैक्टली सब चीज़ का हम टेस्ट करेंगे, कोई कमी छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। आप खुद डिसाइड करना कि 25,000 या 20,000 जितने का भी आ रहा है आपको खर्च करने नहीं करने, हम किसी के पैसे को फिजूल खर्च नहीं होने देंगे। ये दोस्तों और ये मृत्युंजय सर हैं अपने, बहुत खुश हैं अपडेट होने के बाद, ठीक है, इनको अभी थोड़ा सा इनको रिलीफ मिला, नहीं तो धक 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 ज़्यादा खौफ में थे अभी, और अभी भी थोड़े कुछ दिन तो रहेंगे शायद, क्योंकि आज नहीं तो क्या पता कल आ जाए, कल नहीं तो परसों आ जाए, तो इसलिए हम थोड़ा इस पर नज़र गड़ाए हुए हैं फ़ोन पे। अभी 1 महीने ये फ़ोन अंडर सर्विलियंस रहे, सही कह रहे हो, तो 1 महीने तक हम तरह तरह की वीडियो लाते रहेंगे, हीटिंग इशू, चार्जिंग पॉइंट, बैटरी बैकअप की वीडियो बची हुई है वो हमारी क्यू में है, वो हमें बनानी है, ठीक है ना, और बाकी इसका स्पीकर टेस्ट, चार्जिंग टेस्ट, कैमरा टेस्ट, सब चीज़ हम वीडियो लाएंगे। और लास्टली जो मैं बता रहा था कि अगर मैं अभी भी चेक करूं तो एक अपडेट और आया हुआ होगा, नहीं अभी नहीं आया, चेक करें, नो अपडेट, वाह कॉन्गो। तो दोस्तों इसने अभी चेक कराया, पिछली बार जब हमने 400 MB वाला अपडेट करा था तो फिर हमने दोबारा चेक करा तो दोबारा 4.5 GB वाला दिखाने लगा था, कॉन्गो हमने दोबारा देखा फुल अपडेट है, बिल्कुल अप टू डेट है दोस्तों, बिल्कुल अप टू डेट, ये समझ लो आज की डेट तक, आज कौन सी डेट है 2 सितंबर 2023 है, पर आज की डेट तक ये पूरा अपडेट है, अभी तक कोई अपडेट नहीं है, 4.5 GB वाला जो सबसे बड़ा अपडेट था वो हम कर चुके, जून पे आया था लास्ट अपडेट, तो अभी 1 महीना ही हुआ है इस अपडेट को आए हुए, नए अपडेट्स आते रहते हैं इसमें फ्रिक्वेंटली, तो अभी शायद मे बी इस मंथ आ जाए या फिर नेक्स्ट मंथ आ जाए, आएगा तब का तब देखेंगे। कंक्लूजन ये है कि 14.2.0 तक तो सेफ है, मतलब अभी भी कुछ कह नहीं सकते, अभी अगले हफ्ते हम एक और भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है, अगले हफ्ते या शायद दो हफ्ते बाद, हाँ कभी भी आप, हाँ। जब आपके कमेंट्स के ऊपर है आप जितना मतलब भी दिखाओगे, नहीं नहीं दो हफ्ते तो मिनिमम हमें टाइम चाहिए कि मतलब हम इसको नोटिस कर सकें कि कुछ इशू आ रही है कि नहीं आ रही है, तो मतलब 2 हफ्ते बाद हम एक नई वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको पूरा डिटेल बताएंगे कि अपडेट से पहले कैसा था, अपडेट के बाद कैसा है, एग्जैक्टली चल जाएगी, मुझे X3 में भी कोई इशू नहीं आया, यस यस यस, तो एग्जैक्टली हम एज इट इज रहेंगे क्योंकि मैं फोन ही अपडेट नहीं करता था, तो अब तो अपडेट कर दिया ना, अब तो आँखों के सामने
तेरी आंखों के तारा को आंखों के सामने अपडेट करा तो अभी पता चल जाएगी कुछ दिन में। सर दोस्तों बहुत ज़्यादा बातचीत हो गई, आप भी बोर हो रहे होंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपकी इसमें जो भी इशू है वो रिजॉल्व हुआ हो तो इसको भगवान के नाते, ऋतुराज के नाते इसको शेयर कर देना, ये भी कह रहा है। प्लीज़ सब्सक्राइब, हाई सब्सक्राइब। हाँ तो दोस्तों इसको शेयर कर देना, और जो भी हेल्प जिनको भी ज़रूरत है, जो भी फ़ोन देख रहे हैं 20 से 25 हज़ार के अंदर में, उनको अपने हिसाब के, अपने दिमाग के अकॉर्डिंग, अपने सोच के अकॉर्डिंग रिकमेंड कर सकते हो आप, ठीक है। हम कुछ नहीं कहेंगे, हमने आपके सामने दिखा दिया है 4.5। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और सी यू नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय बाय।